कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीजें। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है उसके कारण अपन जानेंगे, और जो है उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं कि आप पहचान सके कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, और उसमें आप क्या खाएं तो और क्या ना खाएं और क्या खाएं, ये दोनों चीजें मैं बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं, देखिए कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए आपका लेवल, आप का देखिए आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 70-80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आपका 100 तक चल सकता है, 100 से ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए, तो फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बड़ा हुआ होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते होंगे HDL और LDL से आजकल डॉक्टर्स यही लिखते हैं दोनों, तो आपका LDL लेवल कम होना चाहिए, अगर LDL लेवल बढ़ जाता है तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल मानते हैं बड़ा हुआ, और आपका जो HDL होता है हाईएस्ट डेंसिटी लेवल, वो अगर आपका लो जाता है तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपका HDL जो है हाईएस्ट ही रहना चाहिए और LDL जो है वो लोएस्ट ही रहना चाहिए। अब देखिए एक दिन में पुरुष कितना ले सकते हैं, मेल और फीमेल्स कितना ले सकती है, देखिए 19 to 65 एज तक अपन लेके चलते हैं, तो 19 to 65 एज तक के जेंट्स को लेना है 30 ग्राम ये कोलेस्ट्रॉल जाना चाहिए उनके इसमें, और लेडीज जो है 19 to 65 ईयर्स की उनको सिर्फ 20 ग्राम कोलेस्ट्रॉल खाना है दिन भर में। अब देख रहे हैं आप कितना कम होता है, अब आप कितना लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये चीजें अवॉइड कीजिए, और देखिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो उसके कैरेक्टर्स देख लीजिए क्या क्या होता है। देखिए पैरों में दर्द होता है, पैरों में आपके सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, और पैर आपके तलवे और ये एकदम ठंडे रहते हैं, पैरों की फिंगर्स और तलवे एकदम ठंडे रहते हैं बिल्कुल। अब इसमें से आपके 2-3 लक्षण भी हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो सब चीजें ये है। तो एक दो भी कैरेक्टर्स होता आप अपना LDL HDL लेवल चेक करा लीजिए तो ज्यादा बेटर है, अगर आप 40+ हैं तो ठीक है, थोड़ा बच्चे ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं, और स्किन का कलर चेंज होने लगता है, और जो है इस आंखों के आसपास के जो है स्किन, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसको सबसे पहले पता चलता है इस पे, तो इसका कलर एकदम से चेंज होता है, और बाकी वैसे दूसरी स्किन का भी होने लगता है, और रात में आपको क्रैम्स आते हैं, बाउटे जिसे कहते हैं बाउटे, वो आने लगते हैं, और स्किन एक आपकी वो रूखी हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है एकदम। तो फ्रेंड्स ये इसके कैरेक्टर्स हैं, अब ये इसके मतलब लक्षण हैं जिसे आप कह सकते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। तो फिर इसके कारण क्या होते हैं, देखिए कारण आपका बहुत ज्यादा अधिक वजन, आपके यहाँ बहुत ज्यादा नॉनवेज खाना, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाना, तो या फिर दूध का बहुत ज्यादा अत्यधिक सेवन, दूध दही पनीर और जो है ये क्या कहते हैं आपका घी, इन सब का बहुत ज्यादा सेवन। देखिए जो भी एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं उन सब में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाता है, और जो भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अनसेचुरेटेड फैट होता है, तो वो आप पचा सकते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, बस ये चीज ध्यान रखिए आप। सेचुरेटेड फैट में से आपका वेट गेन होता है, ये कोलेस्ट्रॉल गेन होता है, और अनसेचुरेटेड फैट से आपका वेट गेन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये आपकी एक्सरसाइज की कमी, डेली आप जो है आलसी अगर आपकी लाइफ है, लेजीनेस है आपके अंदर, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, अगर आप खा लेते हैं और पड़े रहते हैं तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं तो भी आपका बढ़ जाता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है, आपको डायबिटीज रहती है, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, और जो है तो ये चीजें, और आपका अधिक वजन, मोटापा, वही एक्सरसाइज की कमी, एक्सरसाइज होगा आप अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से ऐसा नहीं बढ़ता है, नॉर्मल रहता है। तो फ्रेंड्स अब इससे नुकसान देख लीजिए क्या क्या नुकसान रहता है, इसका हार्ट अटैक होता है सबसे पहला, तो हार्ट अटैक ही इसका नुकसान, साइलेंट अटैक आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है कि इंसान अपने उसके लक्षणों पे ध्यान ही नहीं देता है, कैरेक्टर्स पे कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है स्किन ऐसी डल रफ हो रही है तो हो रही होगी, मॉइस्चराइजर लगा लिया, ये कर लिया, ठीक है तो इतना नहीं ध्यान देता, पैर ठंडे तो वहां ठीक है ठंड लग रही होगी, ओढ़ के सो गए, मालिश कर ली सरसों की तेल की, तो ये चीजें आप थोड़ा सा देखिए इसमें, तो वो साइलेंट अटैक आ जाता है, फिर अटैक आ जाता है, सीने में दर्द होता रहता है आपके, उसको भी आप सोचते हैं क्या तो गैस प्रॉब्लम होगी मुझे, देखिए अगर गैस प्रॉब्लम है और सीने में आपके दर्द हो रहा है तो आपके सर में भी दर्द होगा, सर में और चेस्ट में एक साथ दर्द होगा, अगर गैसेक्स का दर्द है तो,
और खाली आपको सीने में दर्द है तो फिर आप थोड़ा सा अपने डॉक्टर से चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ावा हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है और स्ट्रोक का खतरा बना रहता है इससे हमेशा आपको। अब देखिए, अब आप क्या खाएं इसके लिए, देखिए क्या खाएं के लिए मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो क्या ना खाएं तो बता दिया मैंने, मांस वगैरह इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, रेड मीट तो बिल्कुल अवॉइड करें टोटली। आप थोड़ा सा चिकन खा सकते हैं और आप फिश खाएं तो फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, इसलिए फिश तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो आप ये देखिए ये चीजें अगर नॉन वेजिटेरियन है तो, और अंडा खाएं तो आप योग हटा के और व्हाइट वाला उसका खाएं। और देखिए इसमें खाने के लिए देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये देखिए अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। देखिए ये देखिए गार्लिक, सबसे पहले लहसुन, देखिए हर घर में लहसुन अवेलेबल होती है, ये खा लीजिए आप 3 से 4 डली, ठीक है 3 से 4 कली, ये ऐसी कली इसको छील के ऐसे करके आपको खाना है। आप कुछ भी रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं और आप वैसे सादी अगर चबा के खा सकते हैं तो थोड़ी तीखी लगती है तो आप इसको खा सकते हैं, चटनी में डाल के खा सकते हैं आप इसकी चटनी बना के। तो देखिए मैं तो पोहे वगैरह इसके साथ भी खा लेती हूँ, रोटी सब्जी के साथ भी खा लेती हूँ, तो ये 3-4 कली आपको डेली खाना है ये, ठीक है। अब इसके बाद हो गया ओट्स, ये देखिए ओट्स आजकल बहुत अच्छी चीज है, ये देखिए बहुत अच्छी चीज है ये ओट्स, इसमें इसको भी आपको 2-3 चम्मच खाना है, 2-3 चम्मच डेली आप इसका सेवन करेंगे। देखिए मैं जो चीजें बता रही हूँ बहुत सारी हैं, इसमें से आप 2-3 रोज खा सकते हैं और इजी आसानी से घर में मिलने वाली चीजें हैं ये, और सिर्फ मार्केट से लाना पड़ता है, बाकी तो घर में आप लोग रखती हैं लेडीज अक्सर। अब देखिए होता है इसबगोल, देखिए इसबगोल बहुत अच्छी चीज है, इसबगोल है ओट्स है, ये आपका डाइजेशन भी ठीक करती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है, तो रोज आप इसबगोल का भी यूज कर सकते हैं, ये आपका कम करेगा मतलब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। देखिए इसबगोल हो गया, अब ये 2 से 3 टेबल स्पून ये भी आप डेली ले सकते हैं। अब ये देखिए मेथी दाना, ये फेनुग्रीक सीड्स नाम है इसका इंग्लिश में, मेथी दाना है ये, देखिए मेथी दाना। अब मेथी दाना को आप क्या करेंगे, रात में भिगो देंगे इसको 1 टेबल स्पून रात को गला देंगे और आप उसका पानी भी पी लेंगे और उसको खा भी लेंगे। देखिए डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी बहुत अच्छा है ये, शुगर भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर्स अच्छे रखता है, आपकी स्किन ग्लो करता है, आपकी आईज अच्छी रखता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब आता है आंवला, देखिए आंवला मेरे पास अवेलेबल नहीं है ग्रीन में, अभी आ भी नहीं रहे, तो ये आंवले का पाउडर है, इसको गूसबेरी कहा जाता है, देखिए इसका पाउडर, इसको भी आप 1 टेबल स्पून ड्राई खा लीजिए गुनगुने पानी से या उसमें घोल के पी लीजिए, कैसे भी आप इसको खा सकते हैं आंवले को। अब देखिए सोयाबीन, ये सोयाबीन देखिए आजकल बहुत चलन में, ये सोयाबीन आप खा सकते हैं, सोयाबीन के बड़ी पापड़ आते हैं, देखिए मेरे पास नहीं था तो ये मैंने ये रख दिए थोड़े से ट्राइंगल जो है ये भी सोयाबीन के ही है, तो आप बढ़िया खा सकते हैं, इसकी सोयाबीन की जो आती है वो लाके वो बना के सब्जी बना के खा सकते हैं आप, इसको सीधे पीस के सेक के पीस के रख लीजिए आप इसको, इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत अच्छी चीज है, सोयाबीन भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल करती है। तो ये सोयाबीन हो गया, अब आप एक देखिए नींबू, ये लेमन जूस आप ले सकते हैं विटामिन सी के लिए, ये भी बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने काम आता है विटामिन सी, आप चाहें तो संतरा भी खा सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी में होता है तो लेमन है नींबू, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और इसके बाद आता है बस देखिए ये हो गया सब, तो फ्रेंड्स देखिए कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने आपको बताया है, देखिए फ्रेंड्स और उसके साथ साथ नॉनवेज के साथ साथ ये सेचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं, सेचुरेटेड फैट मींस होता है जिसे पचाना कठिन हो, तो आप जब भी एनिमल प्रोटीन लेते हैं उसमें सेचुरेटेड फैट होता है जिसे पचाना कठिन होता है, वही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये सेचुरेटेड फैट्स देखिए और भी सब में होता है, केक में भी होता है, बिस्किट में होता है, बटर में होता है, घी में होता है, बटर और घी मैंने बता दिया एनिमल प्रोडक्ट से क्योंकि मिल्क से बनता है सारा इसलिए। और देखिए एक कोकोनट ऑयल में भी होता है और पाम ऑयल में भी होता है, इन सब में होता है, तो ये भी आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इन चीजों का। अब देखिए आप देखिए सब्जी में भी, सब्जी आप हर ग्रीन सब्जी सब खा सकते हैं, ग्रीन सब्जी में अनसेचुरेटेड फैट होता है और वो बहुत कम मात्रा में होता है इसलिए आप वो खाएं तो अच्छा। देखिए एवोकेडो इसके लिए बेस्ट है, ब्रोंकली बेस्ट है, काजू बेस्ट है, बादाम बेस्ट है, तो ये सारी चीजें आप खाइए। और फिश मैंने बता दिया आपको, फिश अगर खाएं आप खाने के शौकीन है नॉनवेज खाने के तो आप सैल्मन फिश खा सकते हैं, है ना। अब देखिए आप उसके बदले में क्या खा सकते हैं, देखिए आप सेचुरेटेड फैट है बटर, अब बटर के बजाय आप खाइए ऑलिव ऑयल,
देखिए ऑलिव ऑयल वनस्पति तेल आ गया, अभी अनसेचुरेटेड फैट हो गया, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप इसके बजाय ये ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, और आप एवोकाडो भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप फिश वो मटन खाते हैं, मटन की जगह पर आप फिश खाइए, वो उसका उसका चेंजेस हो गया है ना, रिप्लेसमेंट हो गया उसका। और ये आप कोकोनट ग्राउंड बीफ ये नॉनवेज खाते हैं तो इसकी जगह पर आप टोफू ले सकते हैं। और स्नैक्स खाने के शौकीन हैं आप तो स्नैक्स की जगह पे आप नट्स खाइए। तो फ्रेंड्स देखिए आज इतना ही है। देखिए मैंने सारी चीजें आपके लिए तैयार करके रखी थी, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल देखिए किसका कितना होना चाहिए, लेडीज का कितना होना चाहिए, जेंट्स का कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें देखिए मैंने आपको बताई हैं। थोड़ी सी मैंने स्टडी भी करी थी इसलिए मैंने थोड़ा लिख के भी रखा था, इसलिए मैं आपको पढ़ती हुई भी पाई गई होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए अपनी उसका ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का। आज मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं, आज मैंने सिर्फ ओरल चीजें आपको बताई हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, ये भी चीजें बहुत अच्छी हैं। ये पानी में बनता है क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड फैट होता है, इसमें हर्ब्स होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अपना ध्यान रखिए, हार्ट अटैक से बचिए, अपने अपनी किडनी को अच्छा रखिए, अपने लीवर को अच्छा रखिए। देखिए सेचुरेटेड फैट से क्या होता है कि आपका लीवर ही पड़ता है, लीवर फैटी लीवर हो जाता है, जिससे उसको ब्लड को सब दूर उसको पहुंचाने में दिक्कत आती है लीवर को। तो फ्रेंड्स अपने लीवर को भी अच्छा हेल्दी रखिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो आपके फैमिली में से तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या खाना है कैसे खाना है। आपको कोई और क्वेरीज हो तो प्लीज इनबॉक्स कीजिए मुझे, कमेंट में लिखिए तो मैं उसका प्रॉपर आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।